चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट। इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है, महत्व। हमारे यहाँ पे हमारी सरकार का क्या महत्व है। द गवर्नमेंट इज नेसेसरी टू इंश्योर लो द सेम एवरी वन। जितने भी लो रूल रेगुलेशन है वो सबके लिए एक जैसे हैं, कोई किसी के लिए चेंज नहीं है कि नहीं ये बड़ा है तो इसके लिए अलग बना दिए जाएंगे, ये बहुत छोटा है तो नहीं। सबके लिए लो रूल रेगुलेशन एक ही जैसे हैं। द फार्मर्स लो एंड शीट्स दैट अ इम्प्लीमेंटेड बाय अ कॉन्करेंट द अथॉरिटी द पुलिस। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या की जाती है, अथॉरिटी दी जाती है ना, जैसे कि काम करने वाले कर्मचारी पुलिस हो गए तो उसे लागू भी करवाते हैं कि किस तरीके से जैसे काम किया जा रहा है ना। अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन द गवर्नमेंट इज मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या बनाए जाते हैं, जैसे कि लो रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और उन सारी चीज़ों को लेकर ही वहाँ पे काम किया जाता है। वेन एवर देयर इज द पब्लिक गैदरिंग द गवर्नमेंट दोज आर प्लेइंग अ विटल रूल इन द मेंटेनिंग ऑर्डर एंड अ पीस एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशनल। तो इस सारी चीज़ों की वजह से कानून व्यवस्था बनी रहे, विकास होता रहे, सरकार भी अपनी क्या करती है, एक बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाती है, बहुत सारे इंपॉर्टेंस काम करती है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। द पॉसिबल एंड द एडमिनिस्टर द कंट्री इज विदाउट द गवर्नमेंट येस और नो वाई। अब आप ये जान सकते हो क्या सरकार बिना देश के चला सकते हैं, नहीं। मेंशन एनी टू डिसीजन आर बाय द गवर्नमेंट डिड यू लाइक दोज डिसीजन। अब आप बता सकते हो वाई, कि आप यहाँ पे दो ऐसे सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वो आपको सही नहीं लगे, क्यों सही नहीं लगे, तो आप यहाँ पे बता सकते हो। हाउ इज़ द कंट्री एडमिनिस्ट्रेटेड, तो आप बता सकते हो कि देश का संचालन किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से इसे चलाया जाना चाहिए। ओके, नाउ द गवर्नमेंट एट अ डिफरेंट लिव्स। अब आप जानते हो कि अलग अलग स्तर पर सरकार होती है, अलग अलग विविध स्तर पर सरकार हमें देखने को मिलती है। द गवर्नमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटी डिफरेंट फील्ड। हाउ डज द गवर्नमेंट अरेंज फ्रॉम द ऑल द इंडियाज अ वेस्ट कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड वॉज अ सेंट्रलाइज्ड, मैनी प्रॉब्लम्स वुड बी द अराइज एंड विल बी द कॉजेस इन कंजर्वेशंस टू द सिटीजन्स इन कन्वरियंसेड। देयर फोर आर अ गवर्नमेंट वर्क डिफरेंट लीव्स, लोकल लीव, स्टेट लीव, नेशनल लीव। लोकल लीव्स आर कॉन्क्रेट विथ आर द ऑफरेट ऑफ अ विलेज एंड सिटीज। द स्टेट गवर्नमेंट इज अ डील्स विथ अ मैटर, द स्टेट लिव्स विथ अ गवर्नमेंट, नेशनल लिव्स अ रिस्पॉन्सिबल वर्क इन अ रिलेटेड टू द इंटायर नेशनल। यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट अ लोकल लेवल, विल द लर्न अबाउटिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू द नेक्स्ट यूनिटी। द In the next class, you will be learn about the national government, the central government, union government. अब हमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी की सुविधा अलग अलग लेती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो किस तरीके का काम करती है। भारत एक क्या है, बहुत बड़ा विशाल देश है। इंडिया इज अ वेस्ट कंट्री, बहुत ज़्यादा विशाल देश है। एक हमारी स्तर पर संचालन किया जाता है, नागरिकों को असुविधा ना हो इस सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और क्या होता है, जिस तरीके से गवर्नमेंट आप देखते हो स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे सारे काम किए जाते हैं, जो विलेज वगैरह हो गया, सिटीज़ हो गई, तो वहाँ पे वेलफेयर दिया जाता है, लोगों को जिन चीज़ की ज़रूरत है वो सारी नीड्स उनकी होती है वो सारी ख़त्म की जाती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें करती है। अब हमारे राष्ट्रीय स्तर की सरकार पूरे देश में अलग अलग तरीके के काम करती है, जिसकी संबंध में जानकारी भी होती है। अब इसके आगे के बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं द गवर्नमेंट एंड लो। गवर्नमेंट के लो क्या क्या है, रूल रेगुलेशन क्या है। द गवर्नमेंट फार्म्स लो दे मस्ट बी ओबीड बाय ऑल अ सिटीजन्स। सरकार यहाँ पर क्या करती है, कानून बनाती है, लो रूल रेगुलेशंस बनाती है। ठीक है, तो जो कानून देश सभी लोगों को क्या करना पड़ता है,
एक्सेप्ट करना पड़ता है. लो एंड ऑर्डर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपरली फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट. अब आप देख सकते हो तो ये क्या है, प्रॉपरली फंक्शंस वगैरह बनाए जाते हैं, है ना. प्रॉपरली फंक्शंस गवर्नमेंट बनाती है. चलिए अब आगे. द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी ऑफ मेक ऑल अ इम्प्लीमेंटिंग लॉ. लेट्स अस अ एग्जाम्पल. अब यहाँ पे क्या किया जाता है, जिस तरीके से सरकार कानून बनाती है, सत्ता चलाती है, उसी तरीके से कानून लागू भी करवाती है. उदाहरण हम देख सकते हैं एग्जाम्पल फॉर की जिस तरीके से वो चला रही है, तो अथॉरिटी दी गई है मैक विल एज अ इम्प्लीमेंटिंग लॉ, तो वो किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करती है. चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं. यू मस्ट हैव टिकट विल और ट्रेवलिंग बाय ट्रेन. अब हम यहाँ देख सकते हैं कि रेलवे में यात्रा करते समय आपके पास टिकट होना चाहिए. अगर आप बिना टिकट के हो तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको जेल भी हो सकती है. इफ़ यू कोच ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट यू हैव अ आइदर पे अ पेनल्टी और गो टू द जेल. तो आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी और आप जेल में भी जाओगे. ओके. इवन थॉट द गवर्नमेंट मे द वर्क लॉफुली. गवर्नमेंट जो वर्क करती है वो किस तरीके से करती है कि जिसमें क्या हो सके, तो वो जो कानून का पालन वो किस तरीके से करवा सके, और जो लोग कानून का पालन नहीं हो सके तब वो क्या कर सके, प्रश्नों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं ना. अच्छी तरीके से अगर कानून का पालन नहीं हो रहा है, जो लो वगैरह बनाए गए हैं लोग उसे नहीं मान रहे हैं, तो उसके बाद में लोग क्या कर सकते, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं. बिंगिंग अ एग्जिटेड प्रॉपरली दे हैव राइट्स अराइजिंग दे वॉइस और इवन गो टू द कोर्ट. अगर जो लॉ बनाए गए अगर लोग उस चीज़ का पालन नहीं कर रहे तो वो लोग जा सकते हैं, अपने आवाज़ उठा सकते हैं या कोर्ट में भी जाके अपील कर सकते हैं. द कोर्ट कैन ऑर्डर गवर्नमेंट टू द अप्रिशिएट मिजोरिंग. तो अब क्या बताया गया है कि जिस तरीके से वो बताती है कि अपने देश में जो निर्णय है न्यायालय के संबंध में योग्य निर्णय लेने का आदेश दे सकती है, कि किस तरीके से उसको लॉ को चेंज किया जा सकता है. कोर्ट अप्रिशिएट करता है. ओके. कोर्ट क्या करता है, अप्रोप्रिएटेड करता है. ओके. तो किस तरीके से वो नियम बनाए जाए और उनको चेंज किया जाए. चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज हियर. ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. यू मस्ट हैव अ रियलाइज दैट ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल प्रॉपरली फंक्शनिंग दे नो द गवर्नमेंट दे आर फ्रॉम अ गवर्नमेंट इज अ असेंशियली ऑर्गेन द नेशनल आर अ परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस आर अ गवर्नमेंट फार्मर्स एक्ट एंड लॉ इन इंश्योर अ प्रॉपरली. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बताया गया, जैसे लॉ बनाए जाते हैं, अपने निष्कर्ष निकाला होगा कि राज्य तंत्र द्वारा चलाई जाती, तंत्र सरकार कहा जा सकता है, सरकार प्रत्येक राज्य आवश्यक अंग है, तो वो किस तरीके से अपनी प्रवृत्ति निभाती है, अपनी धारा कानून किस तरीके से लागू करवाती है. ओके. प्रॉपरली एग्जीक्यूशन इट शीट्स दैट द लॉ इन सिचुएटेबली इंटरप्रेटिंग एंड इम्प्लीमेंट टेड एंड ऑल्सो इंश्योर द जस्टिस इज डन. अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे हमें बताया गया है कि पहले आप काम कर रहे हो, उसके बाद में कार्य के संबंध में आप तीसरे में किस विषय में कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. ओके. द गवर्नमेंट इज अ लेजिस्लेटेड द एग्जीक्यूटेड एंड इम्पार्ट जस्टिस. द आर्म्स द फार्मर इन द लॉ आर लेजिस्लेटेड विच अ कंप्राइज इन अ विधानसभा एंड द विच इज द एग्जीक्यूटेड लॉ आर द कॉल्ड बाय एग्जीक्यूटिव दे आर्म्स इन द टू वर्ड्स इम्प्लीमेंशल जस्टिस कॉल्ड द जस्टिक्रेसी एंड द टेकन एक्शंस अगेंस्ट ऑफेंजर. अब आप क्या कर सकते हो कि जैसे आप विधानसभा को बता सकते हो कि आपने पहले ये काम किया है. विधानसभा कहते हैं निर्मित कानून के लिए जिस काम के द्वारा आप उन्हें कार्य प्रणाली कहते हैं, और जो न्याय हमें जो जस्टिस दिलाती है उसे हम क्या बोलते हैं, जस्टिक्रेसी. तो सब अपने अलग अलग काम करती है. ठीक है. चलिए अब आगे.
इंडिया इज वेस्ट कंट्री मेड अप ए यूनियन द डिफरेंट स्टेट. आप जान सकते हो भारत एक विशाल देश है जो अलग अलग राज्यों को जोड़कर बना है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द मेड इंडिया यूनियन स्टेट इज द स्मूथ फंक्शनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन. अब आप देख सकते हो कि देश का संचालन अच्छे से हो सके इसके लिए भारत सरकार ने अलग अलग राज्य अलग अलग इंडिया इज अ इन टू द यूनियन द स्टेट स्मूथिंग टू द फंक्शंस. अलग अलग स्टेट्स बनाए गए हैं कि किस तरीके से काम हो सके, है ना. दोज द इंडियन इज द फेडरल स्टेट. दिस द मीन्स द गवर्नमेंट फंक्शनिंग टू लेवल्स. अब गवर्नमेंट क्या करती है, टू लेवल्स पे अपने काम करती है, ठीक है ना. तो किस तरीके से, जैसे पहला हमें यहाँ बताया सेंट्रल एंड स्टेट लेवल. सेंट्रल लेवल पे किस तरीके से काम किया जाता है, स्टेट लेवल यानी सबसे हाई लेवल हो जाता है. एग्जांपल देखने जाओ तो आप अगर एक स्कूल का एग्जांपल लो तो सबसे पहले नीचे कौन काम करता है, जो वहाँ के वर्कर्स है वो काम करते हैं, ठीक है. कंपनी में अगर कोई काम कर रहा है वर्कर्स काम करते हैं, उसके ऊपर काम करने वाले क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं. उसके ऊपर क्या होता है, मैनेजर होते हैं. तो इस तरीके से काम करने वाला हेड होता है. तो उसी तरीके से हमारे सेंट्रल स्टेट लेवल पे उसी तरीके से काम किया जाता है. द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज़ अ कोल्ड बाय सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट. जो नेशनल लेवल पे हमारे यहाँ पे चलती है उसे हम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट इज लुक अ एडमिनिस्ट्रेशन दे हॉल द कंट्रीज. अब ये क्या करती है, हमारा जितना भी राज्य है उस तरीके से उसको चलाने का काम करती है. द गवर्नमेंट एट अ स्टेट लेवल कॉल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो जो स्टेट लेवल पे काम करती है उसे स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं. वी विल द स्टडी अबाउटिंग द ऑर्गन्स आर द स्टेट लेवल गवर्नमेंट. अब यहाँ पे क्या किया जाता है, स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट अपने काम करती है, ओके. द बॉडी ऑफ इंडिया द स्टेट मे हैव द वन ऑफ टू हाउसेस. अब आप यहाँ पे जान सकते हो कि जैसे टू हाउसेस हमें देखने को मिलते हैं, है ना. एक या दो हाउसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. द लोअर हाउसेस नो द lower houses is a no legislative assembly. The upper houses is no legislative council. ठीक है. The government is also the part state level. The state level of a Gujarat the lower houses the most of the state a legislative council. Okay. देखिए अब हमें यहाँ पे क्या बताया गया है, स्टेट गवर्नमेंट देखिए यहाँ पे गवर्नर एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है ना. तो जैसे चीफ मिनिस्टर यहाँ पे देखने को मिलता है, लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल हायर कोर्ट जस्टिस मिलता है, ओके. इस तरीके से हमें यहाँ पे डायग्राम बताया हुआ है. दिस इज़ द योर एक्सरसाइज स्टेट गवर्नमेंट. तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, ओके. थैंक यू स्टूडेंट्स.